देश भर में गणेश उत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं लेकिन परंपरा खंडित ना हो, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार इस साल गणेश उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल बप्पा की स्थापना के दूसरे दिन सुबह 4:25 से 30,000 महिला इस दगडूशेठ गणपति के पंडाल से लेकर दूर तक अथर्व शीर्ष पाठ का पठन किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते केवल 5 महिलाओं को मंदिर प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई और आज सुबह 4 बजे अथर्व शीर्ष का पठन दगडूशेठ मंदिर में ही सम्पन्न हुआ। दगडूशेठ गणपति जहाँ हर साल लाखों की संख्या में भाविक भक्त आते हैं, लेकिन इस साल सभी भाविक भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन इस साल सभी भक्तों को ऑनलाइन द्वारा ही दर्शन की व्यवस्था की गई। आम्हाला 5 जणींनाच हा मान मिळाला खरा आहे, पण या त्या 20,000 किंवा 30,000 महिला ज्या सहभागी होतात दरवर्षी या पठणामध्ये, त्यांच्या वतीनं आम्ही प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हे ऑनलाइन पठण सगळ्यांसाठी केलेलं आहे आणि हे 30,000 महिलांपर्यंत जात होतं, पण आता हे सगळ्या जगभर यूट्यूबच्या माध्यमातून पोहोचलेलं आहे, त्याचा फार आनंद होतो आहे। आणि भालेराव काका असते तर त्यांच्या डोळ्यात खरंच आज पाणी आलं असतं, कारण कुठल्याही याच्यामध्ये हा कार्यक्रम व्हायलाच पाहिजे, कितीही पाऊस असू देत किती काही असू देत, याची आखणी ते इतके महिनाभर आधी करायचे ना की ह्या याच्यामध्ये पण तो कार्यक्रम असा झाला असता तर त्यांना खरंच आनंद झाला असता। जय गणेश। आज ऋषी पंचमी आहे, गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के पंडाल में हर साल हजारों महिलाएं आकर अथर्व शीर्ष पठन करती थी, लेकिन इस साल कोरोना के पार्श्वभूमि पे हमने गणेश फेस्टिवल मंदिर में ही करने का डिसीजन लिया, इसीलिए आज प्रातिनिधिक स्वरूप में महिला मंदिर में उपस्थित थी और यह ऑनलाइन अथर्व शीर्ष पठन हुआ, इसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई, एक मंगलमय वातावरण हुआ। इस साल कोरोना की वजह से हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, इसीलिए मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ आपके माध्यम से। हम सभी को ये विनती करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप भी गणेश जी का दर्शन ऑनलाइन कीजिए, प्रत्यक्ष मंदिर के यहाँ मत आइए। हम सब मिलकर गणेश जी को प्रार्थना करेंगे कि इस साल हमको आपका दर्शन दूर से मिल रहा है, लेकिन अगले साल आपका दर्शन और नज़दीक से हो और अच्छे वातावरण में हो और हमको आपके सभी दर्शन का आनंद मिले। इस साल आपके माध्यम से यही प्रार्थना है सभी को कि आप ऑनलाइन दर्शन ले, प्रत्यक्ष मंदिर में ना आए। इस कोरोना का यदि हराना है तो हमको ये संकल्प करना पड़ेगा, तभी गणेश जी आशीर्वाद स्वरूप हमको ये कोरोना पे विजय हासिल करने का वरदान दे सकते। रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।